उसको बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। जिला प्रशासन, हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधि, जितने लोग हैं सब यहाँ पर कल शाम से पूरी रात भर खड़े होकर इस ऑपरेशन को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जब तक एनडीआरएफ की टीम उस बच्चे तक ना पहुँच जाए, ऐसा लगता है कि 2-3 घंटे और लगेंगे, और तब तक वो बच्चा जीवित अवस्था में रहे, ऐसी ईश्वर से हम लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं और पूरा प्रयास एनडीआरएफ की टीम के द्वारा किया जा रहा है। सर, क्या मोमेंट मिल पा रहे हैं अभी लड़के? अभी इस प्रकार का कोई मोमेंट, क्योंकि वहाँ पर कैमरा नहीं जा सका है, इसलिए उसका मोमेंट लोगों को नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जो इन्होंने अपने वो रॉड गाड़ी थी उसके हिसाब से वो पॉइंट उन्होंने लोकेट कर लिया है, जिस पॉइंट के नीचे वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सर, 18 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया है, रेस्क्यू काम थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया, क्या वजह रही? कब रोक दिया गया रेस्क्यू? अभी बीच में रोका गया था, पानी आ जाने की वजह। हाँ, वो अब वहाँ की परिस्थितियों को, स्टेटा को देखते हुए, जैसा अभी बता रहे हैं कि कुछ वहाँ पे रॉकी मिट्टी भी है, मिल रही है, जिससे कि अंदर जाने में थोड़ा उनको समय लग रहा है, क्योंकि वहाँ अंदर मैनुअली मशीन नहीं जा पा रही है, तो मैनुअली वो सब्बर से उसको खोद के अब हॉरिजॉन्टल जो 4-5 फीट जाना है उस पर काम कर रहे हैं, तो समय आमतौर पे इस प्रकार जमीन के नीचे जाके और फिर हॉरिजॉन्टल जाने में इतना समय लगता है। हम लोगों के पास पहले देखा हम लोगों ने कि 48 घंटे के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुए हैं, तो रेस्क्यू का जो स्पीड है, जो प्रयास है, उसमें कोई कसर नहीं है सर। सिर्फ नहीं लग रहा है सर कि सेना की मदद ली जा सकती थी? यदि एनडीआरएफ की टीम को ये डिमांड करती तो जरूर सेना को लाने में भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एनडीआरएफ की टीम के रिकमेंडेशन पे ही हम लोग इस प्रकार प्रशासन और एनडीआरएफ के लोग ये बता रहे हैं कि हम 3-4 घंटे के अंदर उस पॉइंट पे पहुंचेंगे और नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है, तो आर्मी के करते हैं और तरफ को ही बुलाया जाता है। बच्चे के पिता अब से अभी आपकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई? जब यहाँ पर उपस्थित एक एक आदमी, इसलिए ढाड़ा सामने बधाया कि, और हमने कहा देखिए सारे लोग खड़े हैं रात भर से यहाँ पर, पूरा प्रशासन और विधायक और सारे लोग यहाँ पर जो कुछ भी बेहतर हो सकता है प्रयास तो पूरा हो रहा है अब, लेकिन अंदर किस परिस्थिति में है बच्चा, तो उसको देख के तो सभी लोग बड़े चिंतित होते। की घटनाओं के पुनरावृत्त होना बहुत ही के चपेट में आ जाते हैं और फिर ऐसा होता है कि नहीं बचाया जा सकता है, तो इसलिए इसके बाद बैठक करके कितने हमें कितने चल रहे हैं, कितने बंद हैं, वो बंद हैं तो क्या उसको उस प्रकार से बंद किया गया है, अब इसमें तो जो प्रावधान है कि लापरवाही के अंतर्गत जो इस प्रकार की लापरवाही के कारण एक मासूम की जिंदगी खतरे में पड़ गई है, तो होगी। बताया जा रहा है कि ग्रामीण ये शासकीय की जा रही थी, इस पर क्या कार्रवाई की गई? इस पर काम हुआ है तो सजा होती है वो भी मिलेगी। मुख्यमंत्री जी के आने की संभावना जताई? मुख्यमंत्री जी लगातार टच में, अभी हम जब नीचे अंदर गड्ढे में थे तो उनका फोन आया था, बातचीत हुई, उन्होंने पूरी जानकारी कि एनडीआरएफ की टीम अपने लक्ष्य तक पहुंचे